सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। कन्फेडरेशन ऑफ बनारस व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय गुप्ता ने बजट पर प्रतिक्रिया। महोदय जी अपना संक्षिप्त परिचय बताएं। मैं विनय कुमार गुप्ता, अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ बनारस व्यापार मंडल, वाराणसी मुजफ्फरपुर जिला। सर देखा जाए तो कल सर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बजट पेश किया है, उसमें चूँकि सर व्यापारियों के लिए कोई विशेष इस प्रकार से तो नहीं है, पर मैं उस पर आपसे दो लाइन की प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पर लागू किया है या जो भी चीज़ें बजट में पास की हैं, वो व्यापारिक दृष्टि से तो काफ़ी निराशाजनक है। भाजपा की नज़र में वो बेहतर हो सकता है, लेकिन हम व्यापारियों की नज़र में वो बहुत ही मतलब निराशाजनक बजट है। व्यापारियों को हमेशा ठगा महसूस किया जाता है बजट के लिए, कभी भी व्यापारी की सुविधाओं को बजट में लागू नहीं किया जाता है। हर बार हम लोग मांग करते हैं लेकिन कभी भी जो है सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। व्यापार मंडल के साथ सरकार चुनावी समय में बहुत मीटिंग करती है, लुभावने वादे देती है, और जैसे ही सरकार बनती है उसके बाद व्यापारियों को अंगूठा दिखा देती है। ये समझ से परे है, जो हम जिन माननीयों को चुन करके भेजते हैं वो माननीय व्यापारिक मुद्दों को कभी सदन में उठाते ही नहीं। क्यों नहीं उठाते? या जानकारी का अभाव होता है उन्हें, या केवल सत्ता का लाभ पाने के लिए अच्छे मुद्दों को उठाने से बचने का प्रावधान लगते हैं। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, मतलब इस पर सोचने के मजबूर होते हैं हम व्यापारी। इसलिए हम चाहते हैं योगी जी से बजट में संशोधन करें और व्यापारी हित के लिए कुछ ना कुछ अनुदान लाएं। सर अगर बात की जाए तो हम लोग अक्सर आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव देखते हैं सर, रोज़मर्रा के जीवन में होने वाली समस्याओं को आप एक जस्ट लाइक पोस्ट के माध्यम से सर अक्सर आप उठाते रहते हैं, तो कुछ आप इश्यूज उसमें से बताएं कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि भविष्य में जन कल्याणकारी साबित हो सकती हैं। हम लोग व्यापार मंडल से रिलेटेड हैं, किसी सत्ता पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं या किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं, इसलिए लेकिन व्यापार से रिलेटेड हमेशा मैं पोस्टों को लिखता रहता हूँ, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसकी मांग भी करता हूँ। माननीय लोगों को हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ रूप में पत्र देते रहते हैं, एकाक दो समस्याओं का निदान भी होता है, लेकिन पूर्णतः जो है उस पर सरकार ध्यान नहीं देती। आज हमें जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, इतनी महंगाई के दौर में जीएसटी की दर